है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी को यह बताने वाले हैं कि जो 25 गरीब परिवारों का सर्वे किया जा रहा है जिसका नाम है जीरो पॉवर्टी योजना उत्तर प्रदेश। तो जीरो पॉवर्टी योजना उत्तर प्रदेश में जो सर्वे चल रहा है जो कि बीसी सखी, पंचायत सहायक और रोजगार सेवक समूह सखी के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो इस सर्वे में सबसे पहले तो ये आप लोगों के मन में है कि प्रधान कहेंगे तब होगा, तो प्रधान का इसमें क्या रोल है वह भी आपको बताएंगे। चयन कैसे होगा, क्योंकि अभी तो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद जितने परिवार का सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद इसका चयन कैसे होगा, नाम सूची में कैसे आएगा, आपको कैसे पता करना है। तो 25 गरीब परिवारों का जो सर्वे हो रहा है, चयन हो रहा है, सरकार इनको कैसे लाभ देगी और जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत इनकी सूची कौन बनाएगा, कौन सरकार के पास इनकी सूची भेजेगा और कौन इनकी सूची को पास करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग ये समझ रहे हो कि जीरो पॉवर्टी जो 25 गरीब परिवार का सर्वे है इसमें प्रधान टिक लगा देंगे और हमारा पैसा आ जाएगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो आवास वाली योजना है ये अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका आवेदन आवास प्लस ऐप पर हो रहा है, उसके लिए आपके गांव में सर्वेयर अधिकारी आकर चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सर्वे चल रहा है जीरो पॉवर्टी सर्वे, ये बीसी सखी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी यानी कैडर के माध्यम से मॉपअप ऐप पर ऑनलाइन घर जाके लाभार्थी के किया जा रहा है। फोटो वगैरह खींचकर अपलोड करके उनका पूरा जो है प्रश्न वगैरह पूछकर सारे क्वेश्चन फिल करके उनका आवेदन किया जा रहा है। तो जब पंचायत सहायक, बीसी सखी या फिर समूह सखी या कोई भी कैडर आपके घर आता है और आपका सर्वे करके आपका सारा जो जानकारी है वो मॉपअप ऐप में भर देगा, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। हो सकता है कि फॉर्म फिल करने के बाद 10 76 नंबर से सरकार की तरफ से आपके पास कॉल भी की जाए और आपसे पूछा जाए कि आपका जीरो पॉवर्टी योजना में आवेदन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बीसी सखी, समूह सखी किसके द्वारा, तो आपको बताना होगा। इससे सरकार को पता चलेगा कि हाँ आपका रियल में आवेदन कर दिया गया है। सारे आवेदन होने के बाद इसकी जांच होगी, उसके लिए समिति बनेगी। सबसे पहले समझिए किन लोगों का जीरो पॉवर्टी में आवेदन किया जाएगा। यहां पर चार यहां पर मानक बताए गए, ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत लोग यहां पर परेशान है कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। पूरी ग्राम पंचायत में 25-25 परिवारों का सर्वे करना है, तो देखिए सर्वे करने के लिए यहां पर इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और आजीविका मिशन संबद्ध समूह की समूह सखी या फिर सामुदायिक कैडर या बीसी सखी, ये लोग सर्वे कर रहे हैं। मानक है कि आपका घर नहीं बना है, यानी आप टटरी पट्टी छप्पर ऐसे घास फूस का अपना छप्पर ऊपर बना के रह रहे हो, तो ऐसे लोग का भरेंगे। या फिर कच्चा मकान बना है, कुठरी उठरी बनी है, कच्चा मकान है मिट्टी इट्टी का, तो ऐसे जिनके घर बने ही नहीं है, पक्के मकान, कोई कमरा उमरा कुछ नहीं बना है, गृहहीन है, घर ही नहीं बना या फिर कच्चा मकान, भूमिहीन वे परिवार जिनका कृषि पर एक आजीविका के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भैया खेती मजदूरी किसानी यही सब करते हो, दूसरे के यहाँ काम करते हो, दिहाड़ी मजदूरी करते हो, ठीक है, तो और आपकी खुद की कोई भूमि खेती नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी कृषि आधारित जो है मजदूर जो अनियमित अनिश्चित आय है, मतलब काम लग गया तो पैसा मिला, नहीं काम लगा इस तरीके का मतलब काम करते हैं। जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है, परिवार में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती है, ऐसे मानक यहां पर दिए गए हैं। अगर इन मानक के विपरीत कोई भी बीसी सखी या पंचायत सहायक अगर सर्वे करता है तो उसका सर्वे या तो निरस्त कर दिया जाएगा, दोबारा से जांच के लिए होगा, अपडेट करना होगा, या फिर अगर जांच में पकड़े जाते हो, क्योंकि तीन स्तरीय इसमें प्रोसेस चलेगी, अगर जांच में ये साबित होता है कि बीसी सखी, पंचायत सहायक, समूह सखी या किसी कैडर ने जो सर्वे घर जाके किया है, इनको कहते हैं एन्यूमिनेटर, ये जो बनाए गए सर्वे करने के लिए पंचायत सहायक बीसी सखी इनका नाम रखा गया है एन्यूमिनेटर, एन्यूमिनेटर अगर जाकर सर्वे करते हैं किसी परिवार का, गलत सर्वे पाया जाता है, उसका ये सब मानक के अंदर नहीं आता है, वो थोड़ा सक्षम है, अच्छा कमा खा रहा है, कुछ भी है, अगर आप गलती से सर्वे गलत कर देते हो तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, सख्त कार्रवाई होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सब कुछ मॉपअप ऐप में सरकार ने लिखकर भेजा है, सारा कुछ वहां पढ़िएगा। मेन इंपॉर्टेंट है चयन कैसे होगा। देखो
जब मोपोपेट पे आपका फॉर्म भर गया तो अब आपका फॉर्म आगे जाएगा यहाँ, ये समिति भी ऑनलाइन ही बनेगी। देखना भी यहाँ पर मैं आपको क्या आगे जानकारी देने वाली हूँ। तो बीसी सखी पंचायत सहायक के सर्वे करने के बाद अब द्वितीय स्तर पर क्या होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति की संरचना होगी जिसमें ग्राम प्रधान जोड़े जाएंगे, और ग्राम प्रधान वर्तमान वाले ही नहीं दोनों जोड़े जाएंगे। दोनों कौन से, पूर्व प्रधान जो वर्तमान में ग्राम प्रधान नहीं है, मतलब अभी आपके गांव में जो प्रधान है वो भी शामिल होंगे, और जो इससे पहले पिछले बार प्रधान रहे थे वो भी शामिल होंगे। और फिर आपके गांव में कोई विद्यालय के हेड मास्टर, अगर एक से ज्यादा विद्यालय है तो वरिष्ठ हेड मास्टर, सबसे बड़े जो हेड मास्टर होंगे, किसी स्कूल के हेड मास्टर को भी समिति में रखा जाएगा। उसके बाद सबसे पुराने दो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष को जोड़ा जाएगा, जो आपकी ग्राम पंचायत में सबसे पुराने दो समूह बने होंगे, उन समूह की, दोनों समूह की एक एक अध्यक्ष जो होती है, अध्यक्ष दीदी को इस समिति में रखा जाएगा प्रधान के साथ में, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी गांव में ग्राम पंचायत में समूह एक से ज्यादा नहीं है, यानी एक ही समूह बना है, तब दो कहां से लाएंगे, या कोई समूह बना ही नहीं है तब कहां से लाएंगे। तब फिर क्या होगा कि अगर एक समूह बना है तो फिर उसमें से अध्यक्ष और सचिव को ले लिया जाएगा, और तो दो पदाधिकारी समूह के ले लिए जाएंगे। और मान लो कि किसी ग्राम पंचायत में समूह बना ही नहीं है, कोई भी समूह नहीं है, तो फिर आशा जो है, आशा आंगनवाड़ी, इनमें से कोई ली जाएंगी, एक आशा को ले लिया जाएगा, एक आंगनवाड़ी को ले लिया जाएगा। तो आशा आंगनवाड़ी तब ली जाएंगी जब समूह ना बने हो, और अगर समूह बने हैं तो फिर अध्यक्ष को लिया जाएगा, और अगर एक ही समूह बना है तो अध्यक्ष सचिव उसी समूह की ली जाएंगी। तो कुल मिला के ग्राम प्रधान वर्तमान वाले, ग्राम प्रधान पूर्व वाले, समूह की अध्यक्ष ली जाएंगी, तो चार पर्सन यहां पर हो जाएंगे। अब इन चारों व्यक्ति के पास ऑनलाइन सरकार उनके मोबाइल में मॉपअप ऐप को भेजेगी, जिस प्रकार से पंचायत सहायक, बीसी सखी, समूह सखी, रोजगार सेवक के मोबाइल में मॉपअप ऐप भेजा गया है, इंस्टॉल कराया गया है, उस पर सर्वे हो रहा है। जीरो पॉवर्टी में डाटा सत्यापन के लिए प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, हेड मास्टर, समूह की अध्यक्ष के मोबाइल नंबर पर भी पिन भेजा जा रहा है। जैसे पंचायत सहायकों द्वारा अपनी आईडी बनाई गई थी, ठीक उसी तरह सत्यापनकर्ता की भी आईडी लॉगिन करके प्रोफाइल बनाई जाएगी। और इस प्रकार से देखिए मॉपअप ऐप ओपन किया जाएगा, और उसका जो ओपन करने का पिन है वो भी 1076 नंबर सरकार की तरफ से आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए, ये है बीसी सखी पंचायत सहायक रोजगार सेवक की इस तरीके की प्रोफाइल। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पंचायत सहायक, बीसी सखी, समूह सखी कोई सर्वे कर रही है जीरो पॉवर्टी का, तो वो जब लॉग इन करती तो इस तरह की प्रोफाइल आती है, और यहाँ जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण पर क्लिक करती है और एक एक परिवार का सर्वे कर दिया है, ठीक है, और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पंचायत सहायक और बीसी सखी, समूह सखी, इन सब के लिए जीरो पॉवर्टी का ऑप्शन, तो सर्वे कर दिया। अब क्या होगा, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, हेडमास्टर और समूह की दो अध्यक्ष के पास इस प्रकार का मॉपअप ऐप का पेज ओपन होगा। इसमें भी सब कुछ आपको शासनादेश, दिशा निर्देश दिए होंगे, ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही टिक लगाना है। तो ग्राम प्रधान जी के सत्यापन के बाद देखो यहाँ पर आईडी लॉगिन करेंगे और सत्यापन करेंगे। जैसे प्रधान जी के पास मान लो आया है मॉपअप ऐप, वो लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर पर मिलेगा निर्धनतम परिवारों के प्रोफाइल। जैसे बीसी सखी पंचायत सहायक के पास ये ऑप्शन है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण, वैसे ही प्रधान, हेडमास्टर, समूह के अध्यक्ष के पास आएगा निर्धनतम परिवारों के प्रोफाइल। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जितना सर्वे बीसी सखी पंचायत सहायक के द्वारा किया गया, 25 परिवार पे टिक लगाएंगे जो उनकी नजर में सबसे गरीब होंगे, ठीक है, उन प्रोफाइल पे टिक लगा दिया। अब इसी प्रकार से पूर्व प्रधान के पास भी मॉपअप ऐप जाएगा मोबाइल पे, उनके पास भी एक कोड आएगा, वो भी कोड डाल के ओपन कर लेंगे, उनके सामने भी खुल जाएगी। अब वो अपने दिमाग से टिक लगाएंगे कि भैया उनके गांव में कौन कौन सबसे गरीब है, उन्हें नहीं पता कि प्रधान जी ने कौन सी टिक लगाई, वो अपनी मर्जी से टिक लगाएंगे, प्रधान जी अपनी मर्जी से टिक लगाएंगे, ठीक है, दोनों प्रधान, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान अपनी अपनी मर्जी से टिक लगाएंगे कौन उनके मतलब ग्राम पंचायत में गरीब है, ठीक है, कि जो सर्वे हुआ है बीसी सखी पंचायत सहायक के द्वारा उसमें से वास्तव में उनकी नजर में कौन गरीब है, ठीक है।
अभी तो ना हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर यही वाला ऐप मॉपअप ऐप जाएगा स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, हेडमास्टर भी लॉगिन करेंगे, भी आ जाएगी सर्वे वाली, वो अपनी मर्जी से 25 परिवारों को टिक लगा देंगे। ठीक है, वो हो गया, टिक लग गया। इसी प्रकार से समूह की अध्यक्ष दोनों जो होंगी उनके अलग अलग जाएगा उनके मोबाइल पर, वो लोग कैसे भाई, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, समूह की दो अध्यक्ष, चार लोग हो गए, चारों में से जो लोग नाम पर ज्यादा टिक करेंगे, आप कैसे नाम पर ज्यादा टिक करेंगे, मान लीजिए कि तो प्रधान जी ने इन नामों पर टिक लगाया, पूर्व प्रधान ने इन नामों पर टिक लगाया और समूह के अध्यक्ष ने इन नामों पर टिक लगाया। ठीक है, तो जिसके नाम पर ज्यादा टिक लगा होगा, मतलब चार में से तीन टिक लगे होंगे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर लिखा है पांच सदस्य में से न्यूनतम तीन सदस्य के एक समान अभिमत, चार से पांच मतलब होंगे समिति में, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, समूह की दो अध्यक्ष और जो है एक हेडमास्टर, पांच लोग होंगे। ठीक है, तो पांचों के पास जब जाएगा तो पांचों लोग अपने अपने हिसाब से टिक लगाएंगे, तो पांच सदस्य में से न्यूनतम तीन सदस्य एक समान अभिमत चयन के लिए आवश्यक होगा, सभी ग्राम स्तरीय सदस्य के नाम तथा पद ग्राम पंचायतवार पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, मतलब जो नामों की सूची होगी एक प्रोफाइल पे अगर कम से कम तीन टिक लग जाती हैं तो उसका पास हो जाएगा नाम और उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे स्तर की जांच के लिए फिर जाएगा ये जो आपका नाम होगा वो आगे सरकार के पास चला जाएगा। अब आगे जब जाएगा तब देखो यहाँ पर जो है अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर जांच होगी और परीक्षण किया जाएगा टीम के द्वारा, अगर कोई सूचना उन्हें लगती है ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर राज्य स्तर पर ऐसा लगता है कि सूचना कुछ गलत लग रही है तो वो जो है उस परिवार का टीम भेज कर गांव में सर्वे फिर से करवा सकते हैं, टीम गांव में आ सकती है और देख सकती है कि वो परिवार वास्तव में गरीब है या नहीं, अगर किसी पर संदेह लगता है तो इस प्रकार से सर्वे होगा, तीन स्तरीय जांच होगी। तो जिस नाम पर जो है पांच लोगों में से तीन लोग टिक लगा दे, प्रधान, पूर्व प्रधान, हेडमास्टर, समूह की दो अध्यक्ष, इन पांचों में से जिसके नाम पर तीन, इन पांचों में से तीन की टिक लग जाए वो नाम पास होगा। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि सबको अलग अलग टिक लगानी है, यह प्रोसेस है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रधान की इसमें क्या रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेले प्रधान जी के पास लिस्ट आएगी और वो टिक लगा देंगे और पास हो जाएगा, तो उस तरीके का नहीं है ये, सबके पास जाएगा, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, समूह की दो अध्यक्ष, सबके मोबाइल में मॉपअप ऐप जाएगा और टिक लगानी है। तो भैया अगर आपका फॉर्म जीरो पॉवर्टी सर्वे में भरा गया है आपके घर पर आकर, तो आपकी प्रोफाइल पे अगर वर्तमान प्रधान टिक लगा दे, पूर्व प्रधान टिक लगा दे और समूह की दो अध्यक्ष और हेडमास्टर में से कोई भी टिक लगा दे, कम से कम तीन टिक मिल जाए तो आपको लाभ मिल जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। इसमें आपको मकान की सुविधा, मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास भी मिलेगा, बिजली की सुविधा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, सरकारी पेंशन योजना, बहुत सारे लाभ इसमें मिलेंगे। अब कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे और जो फाइनली नाम फाइनल होगा वो पोर्टल पर भी अपलोड होगा और साथ में प्रधान के पास सूची भी आ जाएगी कौन पास हो गया है, नाम पास होकर प्रधान के पास सूची आएगी और पंचायत सचिवालय पर भी सूची चस्पा कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका चयन होगा, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया। आई होप कि ये वीडियो को काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये जीरो पॉवर्टी का जो भी सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के बारे में, इस सर्वे की प्रक्रिया के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम भैया और आसान तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।